कैसे बन पाएगा हिंदू राष्ट्र और क्या उसका स्वरूप होगा? महाराज श्री कहते हैं हिंदू तो सोए हुए हैं, उनको हम स्वरूप बताएंगे। तो विधर्मी लोग पहले हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, हम लोग विश्वास कर्म पर करते हैं। शंकराचार्य जी रात दिन बूटी बूटी इसलिए गलाते हैं जो धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनर्मुक्त सर्वहित पर सनातन शासन तंत्र भारत में स्थापित। आपने कहा कि विधर्म तो शुरू से ही पहले राम थे तो रावण भी था, कंस था, कृष्ण थे, अब भी वो ऐसे लोग हैं, संघर्ष कैसे करें अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, क्या करें? इसलिए महाराज श्री मोहन भागवत जी को बताए जो हिंदू को कभी प्रतिद्वंदी मत बनाइए, अपना लकीर बड़ा करिए, पूर्वज को पहचानो। यदि पूर्वज को पहचानेंगे वो भी सत्य के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि सबका हृदय सत्य का पक्षधर होता है। शंकराचार्य जी का कहना एक ही है, जो उस सत्य को उनके हृदय में स्थापित करना मेरा यात्रा का उद्देश्य होता है। जिस रोज सत्य को सब महसूस करेंगे, क्योंकि अभी महाराज श्री बोले हैं प्रवचन में, जो कोई यदि हमको काफिर कहता है तो अपने आप को गाली लेता है, क्योंकि सबके पूर्वज सनातनी थे, हिंदू थे, पूर्वज को पहचान। महाराज श्री से पहले अभी यात्रा किए नवंबर महीना, आप सुने होंगे अक्टूबर नवंबर में यदि आप नैनीताल का नाम सुनेंगे तो बुखार लग जाएगा, लेकिन शंकराचार्य जी गए नहीं, 26 नवंबर को गए थे। उत्तराखंड के चारों धाम जो हैं वहाँ के सब पहुँचे थे, पंडा पुजारी पत्रकार, बोले महाराज श्री जितने भी हमारे मठ मंदिर सनातनी थे सबको सरकार अपने अधीन कर लिया, इस पहाड़ पर जीविका का कोई साधन नहीं है, एक ही उपाय है, यहाँ सब परिवार आत्महत्या कर ले। शंकराचार्य जी वहाँ बोले इस सेकुलर शासन तंत्र को हमारे मठ मंदिर को छूने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सेकुलर शासन जिस मठ मंदिर को सनातनी मठ मंदिर को छुएगा तो शास्त्र के विपरीत काम करेगा, तो वैसे भी उसका क्षति होगा। यदि शासन तंत्र उसको नहीं छूता है, बहिष्कार करता है, तो जनता भी बहिष्कार कर देती है, तो इनको छूने का अधिकार नहीं। यदि उत्तराखंड सरकार जल्द से जल्द हमको मुक्त नहीं करता है तो इसका परिणाम उत्तराखंड सरकार को भोगना पड़ेगा। 26 नवंबर को शंकराचार्य जी बोले हैं, 27 नवंबर ने 28 नवंबर को मंत्रिमंडल का बैठक करके उत्तराखंड पहला राज्य हो गया जो हमारे सनातनी मठ मंदिर सरकार के अधीन से मुक्त हो गया, और 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल लेके आशीर्वाद लेने के लिए आए। अब दूसरे भी राज्य ऐसे अपन कदम बढ़ा रहे हैं जो हमारे सनातनी मठ मंदिर को सरकार के अधीन से मुक्त करेंगे। सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आजकल देखा जा रहा है कि अधिकांश घरों में रामायण, उसका क्या कारण है, हो रहा है, ये संगोष्ठी हो रहा है जागरूकता के लिए, शंकराचार्य जी यही काम के लिए आगे बढ़े। ठीक है, हर हर महादेव।